हाय दोस्तों, अगर आपके वीवो मोबाइल में गूगल लॉक ऐप आरपी लॉक लगा हुआ है और आप भूल गए हैं तो उसको कैसे बाईपास करें, इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारा फ़ोन कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा। तो मेरे पास जो मोबाइल है वीवो का Y56 मॉडल है और उसमें गूगल लॉक लगा हुआ है, तो उसको कैसे बाईपास करें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लेके आते रहते हैं मोबाइल इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद होम वाले पेज पर आएंगे। होम वाले पेज पर आने के बाद हमें फ़ोन का जो टॉक बैक है इसको ऑन करेंगे। वॉल्यूम अप और डाउन एक साथ दबाएंगे तो हमारे टॉक बैक का जो ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। तो हमें नीचे वाले पे कर देना है टर्न ऑन पे। एक बार फिर से ऑन करेंगे तो हमारे टॉक बैक का जो ऑप्शन है ऑन हो गया है। दोस्तों आपको ये ध्यान से देखना है, हमने टॉक बैक किस तरह से ऑन किया है। इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको भी अलाउ कर देंगे। दोबारा से फिर को हम टॉकबैक को ऑफ करेंगे एक बार, तो हमारा टॉकबैक ऑफ हो गया है। हम एक बार फिर दोबारा से ऑन करेंगे तो हमें अब उल्टा एल स्वाइप करेंगे। हमारा उल्टा एल स्वाइप काम नहीं करेगा, तो आपको सीधा एल स्वाइप करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर डबल टैप करेंगे। तो ये नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है कीपैड पर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। हमें अब यहाँ पर डबल क्लिक करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। हमें एक बार डबल क्लिक से पर डबल क्लिक करेंगे। हमें दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपको ध्यान से देखना है, इसको ए दबाना है तो ए ऑप्शन आ रहा है, बी दबाना है तो बी आ जाएगा। ये पीला पीला निशान आ रहा है, इसको हम एक साथ दबाएंगे सी हो गया। हमें एक साथ ये तीनों बटन दबाने हैं, डी हो गया। हमें अब दोस्तों ऊपर स्वाइप करेंगे, हमें ऊपर से नीचे स्वाइप करना है। हमें इधर साइड से स्वाइप करेंगे, अब इधर साइड से स्वाइप करना है। हमें अब दो फिंगर से स्वाइप करना है इधर, और इधर से भी स्वाइप का ऑप्शन आएगा, थोड़ा वेट करें। ये तीन ऑप्शन आया है, तीन फिंगर से हमें स्वाइप करेंगे। तो आपको दोस्तों ये सेम प्रोसेस करना है। अगर आपने सेम प्रोसेस नहीं कर पाए तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये सेम प्रोसेस करना है। तो ये हमारा सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे डबल क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ये ऑप्शन आने के बाद टॉकबैक को हमें ऑफ कर देंगे। जो ये ऑप्शन दिख रहा है बीच वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये खुलेगा, हमें साइन अप पर करेंगे। साइन अप पर करने के बाद हमें नीचे गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद एक बार से यहाँ टाइप कर देंगे तो हमारा ये ऑप्शन आएगा। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, फर्स्ट वाले पर जाना है। फर्स्ट वाले पर जाने के बाद हमें एसिबिलिटी मेन्यू को ऑन करना है। तो हमारा एसिबिलिटी मेन्यू ये है, इसको ऑन कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं ऑन कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप फ़ोन को एक बार हार्ड रीसेट करके फिर से ट्राई करेंगे तो आपका ये ऑप्शन काम करेगा। दोस्तों हमारा गूगल असिस्टेंट जो है वर्क नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें बैक आना। बैक आने के बाद हमें एक बार टॉकबैक को ऑन और ऑफ करेंगे तो हमारा जो गूगल असिस्टेंस है वो वर्क करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, गूगल अकाउंट का ऑप्शन मांग रहा है। हमें बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक बार से टॉकबैक को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद आपका जो गूगल असिस्टेंस वाला ऑप्शन है वर्क करेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा वर्क हो गया है। हमें यहाँ बोलना है ओपन सेटिंग, तो हमारा ओपन सेटिंग बोलने के बाद आपकी जो सेटिंग है फ़ोन की खुल जाएगी। तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन की जो सेटिंग है खुल गई है। हमें आपको दिखा देंगे जो मॉडल है वीवो Y56 है और एंड्रॉयड वर्जन 14 है, लेटेस्ट वर्जन है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब सबसे पहले इजी टच वाला ऑप्शन जो है इसको ऑन करेंगे। देख सकते हैं इजी टच वाले पर जाना है।
इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हमें यहाँ पर अब एक एप्लीकेशन को ऐड करना है। ऐड पर जाएंगे, हमें ईजी शेयर ऑप्शन है, ईजी शेयर वाला ऑप्शन जो है इसको हमें टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपके यहाँ ऑप्शन शो हो जाएगा। शो होने के बाद हमें अब बैक आना है, बैक आने के बाद अब हमें दोस्तों ईजी शेयर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे और हमें टिक करके इसको एग्री कर देंगे तो हमारा जो ईजी शेयर है ऑप्शन खुल जाएगा। हमें फ़ोन क्लोन पर आना है। फ़ोन क्लोन को आने के बाद हमें दोस्तों दूसरे फ़ोन में अब जो दो एप्लीकेशन है इनको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो हमें अब ओल्ड न्यू पर आएंगे और ये वाले पर हम न्यू पर जाएंगे तो हमें अब स्कैन का ऑप्शन खुलेगा, तो हमें अब स्कैन का ऑप्शन स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों ये वाले फ़ोन जो है हमारा इस तरह से लोडिंग लेगा तो इसको अनटिक करेंगे। हमें एक एप्लीकेशन को जो डाउनलोड की थी उसको ही शेयर करनी है, तो ये फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है इसको हमें टिक करके ओके कर देना है। तो इसको टिक कर दिया हमने, हमें ओके कर देंगे और नेक्स्ट पर कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे तो हमारी जो ये एप्लीकेशन है इस फ़ोन में शेयर हो जाएगी। शेयर होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो ये ऑन का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। तो आपको ये जो मेथड है दोस्तों आपको ध्यान से देखना है हमने कौन सा स्टेप किया है कौन सा नहीं किया है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो आपके फ़ोन का जो FRP लॉक है वो बाईपास नहीं होगा। तो आपको ध्यान से देखना है हमने कौन सा स्टेप यूज़ किया है। तो हमें अब नीचे आना है एंड्रॉयड सेटअप वाले ऑप्शन पे। सेटअप वाले ऑप्शन के आने के बाद हमें नीचे नीचे आना है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा और स्किप वाले ऑप्शन पे करेंगे। स्किप वाले ऑप्शन करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। हमें अब दोस्तों ये सेम प्रोसेस को करना है, नेक्स्ट वाले पे करना है। आपको जो ये प्रोसेस है सेम करना है, नहीं तो आपके फ़ोन का FRP लॉक नहीं बाईपास होगा। तो ये हमें नीचे वाले ऑप्शन पे आना है गूगल वाले पर। गूगल वाले आने के बाद हमारा ये ऑप्शन खुल गया है, हमें अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर करेंगे तो ये हमारा फ़ोन का जो मॉडल है यहाँ शो हो जाएगा। तो हमें जो ये गूगल अकाउंट है इसमें शेयर करेंगे तो हमें अब माइक वाले ऑप्शन बोलना है सेटअप माय डिवाइस। हमें सेटअप माय डिवाइस बोलने के बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोन है सर्चिंग फॉर डिवाइस पर है, कनेक्शन कर रहा है तो हमारा फ़ोन अब इस फ़ोन में कनेक्ट होगा। थोड़ा वेट करें, देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया है। हमें अब नेक्स्ट वाले पे करना है और ये कॉपी वाले ऑप्शन पे करेंगे। कॉपी वाले ऑप्शन करने के बाद आपका जो है गूगल अकाउंट इस फ़ोन का इसमें लॉगिन करना होगा। तो आपको ये गूगल अकाउंट इस फ़ोन में लॉगिन करना है तो हमें अब इसका जो पासवर्ड है गूगल अकाउंट का वो एंटर कर देंगे। तो हमने गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड लगा दिया, हमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो आपका दूसरे फ़ोन का जो काम है वो ख़त्म हो गया है, उसको हम साइड में कर देंगे। हमारा फ़ोन जो गूगल अकाउंट अभी लॉगिन हो रहा है, देख सकते हैं कंटिन्यू सेटअप फोन गूगल, थोड़ा वेट करें तो इसका जो गूगल अकाउंट है इसमें एक बार लॉगिन होगा। थोड़ा वेट करें, लोडिंग ले रहा है तो देख सकते हैं हमारा गूगल अकाउंट लॉगिन हो गया है। हमें डाटा कॉपी नहीं करना है, इसको हमें डोंट कॉपी पे कर देंगे तो हमें सिर्फ गूगल अकाउंट को ही लॉगिन किया है। तो हमें अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करना है तो देख सकते हैं ये गूगल अकाउंट जो हमने यहाँ शो हो रहा है आपका जो उसमें लॉगिन था पहले, तो हमें इसको स्किप करेंगे। स्किप कर देना है दोस्तों। तो आप अगर स्किप करेंगे तो आपका फ़ोन एक बारी होम पेज पे ऑटोमेटिक आएगा, तो देख सकते हैं इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे। तो यहाँ स्किप करने के बाद दोस्तों आपका जो ऑटोमेटिक ही होम पेज पर आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक होम पेज पर आ गया है। तो दोस्तों हमें अब दोबारा से फ़ोन का सेटअप कर लेना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लेके आते रहते हैं। सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अब फ़ोन का सेटअप कर लेना है।